सिंटेक स्टॉक लगातार तेजी पे तेजी दिखाता हुआ लाइफ टाइम हाई पर, क्यों, क्या वजह है, आइए जानते हैं। डिक्सन टेक पर हम आपके सामने रिसर्च रखेंगे और बताएंगे। डिक्सन टेक शानदार तेजी देखने को मिली पिछले 6 महीने में, अगर आप देखें तो 135% का उछाल देखने को मिला, ना कि सिर्फ 6 महीने में, पिछले 5 दिनों में भी अगर आप देखें तो 10% से ज्यादा तेजी स्टॉक में देखने को मिली है और कारण ढेर सारे हैं। दरअसल सबसे पहले तो आप देखिए जो इनके तिमाही नतीजे आए थे वो भी काफी शानदार देखने को मिले थे। यहाँ पर इनका सालाना आधार पर जो मुनाफा है वो 22% बढ़ा और खास बात यह भी कि जिस सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है इलेक्ट्रॉनिक्स और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग वो काफी ज्यादा बजेंगे और यहाँ पर देखिए ढेर सारे जो ग्रोथ के ट्रिगर्स हैं वो सामने आ रहे हैं। ये शाओमी के लिए जो है एलईडी टीवीज बनाते हैं और शाओमी ने जो है पिछले 2 साल में 50 लाख से ज्यादा जो है टीवी सेट्स बेच दिए हैं। मेजर मार्केट शेयर है इनका जिनके लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो आय में जो लगातार ग्रोथ है वो शानदार देखने को मिल रही है। इसके अलावा पूरी लिस्टेड स्पेस में देखें तो ये एकमात्र कंपनी ऐसी है जो कि मोबाइल फोन्स का उत्पादन करती है, मोबाइल फोन्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है और मोबाइल फोन्स की बिक्री अगर आप सिर्फ फेस्टिव सीजन में देखें तो ऑलमोस्ट 5 करोड़ पीसेस के आसपास हो चुकी है, यानी ये भी बहुत हाई ग्रोथ बिजनेस है। और अच्छी बात यह कि थोड़े दिन पहले कॉर्पोरेट रडार में हम के मैनेजमेंट से बात कर रहे थे तब इन्होंने बताया कि यहाँ पर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में जो मार्जिन है वो टीवी के मुकाबले या फिर जो इनके अन्य सेगमेंट्स हैं वो भी उनमें से भी सबसे बेहतर मार्जिन जो है मोबाइल फोन में देखने को मिलते हैं। थोड़े दिन पहले इन्होंने जो है मेडिकल डिवाइस इक्विपमेंट का जो मैन्युफैक्चरिंग है उसकी भी शुरुआत की थी और वहां पर भी ठीक ठाक प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इन्होंने अपडेट में ये भी कहा था हमारे साथ कि Q4 FY21 से यानी इस वित्त वर्ष की जो चौथी तिमाही है यहाँ से जो PLI स्कीम के तहत इनके एक सब्सिडरी को मंजूरी मिल गई, मोबाइल फोन्स का उत्पादन शुरू होगा तो वहां से जो आय है वो काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी और आगे आने वाले सालों में जो मोबाइल फोन्स है वहां से कंपनी की जो मेजर रेवेन्यू आती हुई दिखेगी। फिलहाल जो 50 से 56% जो कंपनी की आय है वो टीवी मैन्युफैक्चरिंग से आती है तो आगे जाकर जो हाई मार्जिन बिजनेस है वहां पर काफी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिलेगी और ये मैनेजमेंट का कहना है कि अगले 5 साल में डिक्सन टेक की जो आय है वो 25,000 से लगभग 30,000 करोड़ होगी, यानी काफी बढ़िया जंप यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिए जो मैनेजमेंट की जो कमेंट्री आती है वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है लेकिन इसको सपोर्टिव जो है बैकिंग मिल रही है वो ब्रोकरेज हाउसेज से, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि स्टॉक पर जो पॉजिटिव रिपोर्ट्स का फ्लो बना रहता है। जेफरीज की थोड़े दिन पहले एक रिपोर्ट आई जहां पर इन्होंने जो लक्ष्य है वो करीब 12,600 रुपए का था, यानी आप यहां से देखें यहां से भी काफी ज्यादा अपसाइड जो है एक्सपेक्ट की जा रही है और ऐसा माना जा रहा है कि स्टॉक लगातार नए हाईस बनाएगा।